किस तरह से फसल अवशेष को जलाया जाए। लेकिन कल से हेलीकॉप्टर, हमने कह दिया है कि इस पर आप लोग और बाकी लोगों को भी ले करके जाइए और सारे बिहार का दर्शन कर लीजिए। अरे डीएम को कहेंगे और आपको कहेंगे, और हम यहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हुए, पहले से तय कर दिया किसी चीज की जो कमी है तो वो भी वाच करके देखिए, हम लोग उसको कृषि रोड मैप का हिस्सा बनाएंगे। जलाने का नहीं, इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी, और कैसे वो इस बात को समझेंगे और क्या उनको मदद करनी है जिससे ये काम हो सकता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जलवायु के अनुकूल खेती कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने उसके महत्व बताए, उसके फायदे बताए, साथ ही साथ पराली जो कि बहुत बड़ी समस्या इन दिनों बन गई है, पराली का जलाना, आपको पता है कि दिल्ली हरियाणा जैसे इलाकों में इसके वजह से कितना ज़्यादा प्रदूषण बढ़ा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिहार के कई इलाकों में पराली यानी कि फसल अवशेष जलाने के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसको लेकर सख्त निर्देश दिए हैं और डीएम से कहा है कि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार इस विषय में, आप सुनिए। दो दिन पहले जो हम बांका गए हैं और बांका और जमुई से लौटते हुए जो भी इलाका था, सारे इलाकों में इस तरह की स्थिति कभी पहले नहीं थी। इतना ज़्यादा फसल अवशेष को जलाया, इसका मतलब हम लोग चाह रहे हैं लोगों को समझाएं कि फसल अवशेष को मत जलाइए, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है और उसके लिए कई चीज़ों के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा सब्सिडी देने को तैयार हैं, सब लोगों के लिए 75% और बाकी अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़े को 80%, चार चार तरह के इक्विपमेंट के लिए। तो ये सब कुछ कर रहे हैं हम लोग प्रचार, लेकिन असर क्या पड़ रहा, और आप जान रहे हैं कि कैसे ड्राइवर को बुलाने के लिए कोरोना के दौर में जब लॉकडाउन का पीरियड था उस समय कहाँ से शुरू हुआ था, उसी इलाके से, कि भाई वहाँ से ड्राइवर को मंगा करके। आप समझ लीजिए कि जो लोग आ रहे हैं बाहर से, वो इसका मतलब है कि लोगों को ये बता रहे हैं। तो हम लोगों ने तो कह दिया कि भाई इसको प्रचारित करिए, तो आज हम कहेंगे कि देख लीजिए कि क्या स्थिति। हम तो सारे डीएम्स को कहेंगे, सारे डीएम्स को कहेंगे और आपको कहेंगे, और हम यहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हुए, पहले से तय कर दिया, आप आज तो नहीं अब जा पाइएगा, लेकिन कल से हेलीकॉप्टर, हमने कह दिया है कि इस पर आप लोग और बाकी लोगों को भी ले करके जाइए और सारे बिहार का दर्शन कर लीजिए कि किस तरह से फसल अवशेष को जलाया जाए। तो अब यही हम कहेंगे, इसको बार बार हम नहीं कहेंगे कि एक तरफ जो मौसम के अनुकूल कृषि का कार्यक्रम है इसको हम लोग निरंतर जारी रखेंगे, हर एक इलाके को प्रभावित करेंगे, और इसके लिए जो भी सहयोग की आवश्यकता हो सिखाने के अलावा हम लोग वो सहयोग प्रदान करें लोगों को। किसी चीज़ की जो कमी है तो वो भी वाच करके देखिए, हम लोग उसको कृषि रोड मैप का हिस्सा बनाएंगे, नंबर एक। और नंबर दो, जो फसल अवशेष को इस तरह से नहीं करना, बल्कि फसल अवशेष का सदुपयोग है, इससे उनकी आमदनी और बढ़ेगी, वो जलाने का नहीं, इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी, और कैसे वो इस बात को समझेंगे और क्या उनको मदद करनी है जिससे ये काम हो सकता है। तो इसके लिए हम यही आग्रह करेंगे कि ये कर लीजिए, और बाकी तो शुरू कर दिया। तो जैसा कि आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातें सुनी, फसल अवशेष बिहार में ना जलाए जाए, इसको लेकर सख्त आदेश दे दिया है, जिलाधिकारियों को कहा है कि इन सभी चीजों पर कंट्रोल जल्द से जल्द करें, और अपने जितने भी अधिकारी हैं उनसे कहा है कि पूरे बिहार का दौरा करें, सर्वेक्षण करें कि जिन जगहों पर ऐसी चीजें हो रही है वहां पर लोगों को जागरूक करें, बताएं कि फसल अवशेष जो है वो उनके काम आ सकते हैं, उनकी आमदनी का जरिया हो सकते हैं, और उन्हें खेतों पर जलाने से खेतों की उर्वरा शक्ति जो है वो भी कमजोर हो जाती है, साथ ही साथ वायुमंडल पर खासा नुकसान पहुंचता है, पर्यावरण से संबंधित जो है वो परेशानियां उत्पन्न होती है, प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।